गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, दिस विल बी योर थर्ड लेक्चर। बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन दी बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये हमें बाइनरी सिस्टम में सब कुछ रिप्रेजेंट करके दिखाता है, ठीक है, बात समझ में आई। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट होती है, कौन सी, 0 एंड 1। एवरी नंबर और वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद 0 एंड 1 इन दिस नंबर सिस्टम। हर एक वैल्यू या हर एक चीज बाइनरी नंबर सिस्टम में ही रिप्रेजेंट होती है, मतलब 0 एंड 1 की हेल्प से ही बाइनरी में रिप्रेजेंट होती है। मतलब सब कुछ कंप्यूटर पे जो भी आप कुछ डाल रहे हो वो बाइनरी में 0 एंड 1 में ही रिप्रेजेंट होके मिलती है, ठीक है। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज है, 0 एंड 1, बिकॉज इट हैज ओनली 2 डिजिट्स, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 डिजिट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 2 नंबर सिस्टम। तो बाइनरी को आप बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हो क्योंकि उसमें बेस 2 होता है। ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। 0 एंड 1 को अलग अलग, मतलब 0 को भी बिट बोलते हैं, 1 को भी बिट बोलते हैं। ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। ईच पोजिशन इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ 0 पावर ऑफ द बेस 2, ठीक है। हर एक पोजिशन रिप्रेजेंट होती है 0 पावर बेस पे 2 पे, ठीक है, एग्जाम्पल 2 पे 0। लास्ट पोजिशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स पावर ऑफ द बेस 2, एग्जाम्पल 2 की पावर x, वेयर x रिप्रेजेंट द लास्ट पोजिशन, ठीक है। तो अगर आपका जैसे काफी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो 2 की पावर x क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो लास्ट आपका बाइनरी डिजिट होगा, और 2 की पावर 0 क्या दिखाएगा, जो आपका सबसे पहला बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। चलिए फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसके बाद है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा, ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 7। ऑक्टल में कितने होते हैं डिजिट्स, 0 टू 7, 8 डिजिट्स होते हैं। तो बेस कितना हो जाएगा, 8। द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8, क्योंकि उसमें 8 डिजिट्स है, ठीक है, बिकॉज इट हैज ओनली 8 डिजिट्स। ईच डिजिट पोजिशन इन दिस सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 8, ठीक है। तो इसमें हर एक की पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पावर 8 की लगानी पड़ेगी। एनी डिजिट इन दिस सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 8, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम में कोई भी जो डिजिट होगी वो 8 से छोटी ही लिखी जाएगी, 8 से बड़ी डिजिट इसमें नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। तो अगर बाइनरी नंबर बहुत बड़ा है तो उसकी जगह पे हम ऑक्टल नंबर लिख सकते हैं, तो वो शॉर्टकट हो जाएगा एक तरीके से, शॉर्ट हैंड बोला गया इसको, ठीक है। द नंबर 5458 इज नॉट वैलिड इन दिस नंबर सिस्टम एज 8 इज नॉट अ वैलिड डिजिट बिकॉज एवरी नंबर वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इन दिस नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो नंबर है 5458, ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा 8 तो होता ही नहीं है, है ना। हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से 7 तक है, तो 8 तो होता ही नहीं है, तो 5458 इनवैलिड हो जाएगा बेटा। वही बात बोली गई है कि वैलिड नहीं है, क्योंकि 8 हमारे नंबर सिस्टम में आता ही नहीं है, 0 से 7 तक हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। हेक्साडेसिमल किस पर डिपेंड करता है, 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज पे, जो कि 0 से 9 तक तो न्यूमेरिक वैल्यूज है एंड ए टू एफ तक अल्फाबेट्स होता है, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, क्योंकि 0 से 9 तक इसमें क्या है, डिजिट्स हैं, एंड ए टू एफ अल्फाबेट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब टोटल ये 16 कैरेक्टर्स बनते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 10 तो न्यूमेरिक वैल्यूज है एंड 6 आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज है, ठीक है। एवरी नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट विद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, N, F। तो इसमें आप देख सकते हैं 0 से लेके 9 तक आपके अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं, A से लेके F तक आपके
सॉरी 0 से 9 तक न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ए से लेके एफ तक आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, ठीक है, इस नंबर सिस्टम में. हेयर ए इज 10, बी इज 11, सी इज 16, डी इज 13, ई इज 14 एंड एफ इज 15. ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये हम लोगों ने ए बी सी डी यूज तो कर लिए हैं, लेकिन इनकी अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हम देखें तो ए हमारा 10 नंबर है, बी हमारा 11 नंबर है, और ऐसे करके एंड सो ऑन. ठीक है, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16. इसमें बेस 16 क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है. ठीक है, 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं इसमें. ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू 16 है, मतलब 0 टू 9 10 हो गया, और ए से लेके एफ तक आपका 6 वैल्यूज और हो गई. ठीक है, तो ईच डिजिट पोजिशन इन हेक्साडेसिमल सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 16. यहां पे पावर लगती है बेटा 16 की. ये जो पावर ऑफ करके बताया गया है, तो ये पावर ऑफ कैसे लगती है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें हर एक प्लेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए पावर लगाई जाती है 16 के ऊपर. ठीक है, वो कैसे लगती है वो अभी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, अभी बस ये समझ लीजिए, इसमें जो पावर लगती है वो 16 के ऊपर लगती है, इसमें जो पावर लगती है वो 8 के ऊपर लगती है, इसमें यहां पे दिखाया गया 2 के ऊपर लगी है. ठीक है, ऐसे डेसिमल में जो पावर लगती है वो डेसिमल मतलब 10 के ऊपर लगती है. ठीक है, चलिए, द नंबर 76416 इज वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर. इसमें ये जो नंबर दिया गया 76416 ये वैलिड है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम 76410 विच इज 764. ठीक है, तो ये डिफरेंट है आपका 76410 से. दिस नंबर सिस्टम प्रोवाइड शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट लॉन्ग बाइनरी नंबर्स. ये हमारा जो नंबर सिस्टम है, इसकी हेल्प से आप बाइनरी नंबर्स को बहुत छोटा कर सकते हो. ठीक है, शॉर्टकट है ये एक तरीके से. बाइनरी का वैल्यू अगर इतना बड़ा है तो हेक्साडेसिमल में वो इतू सा हो जाएगा. ठीक है, छोटा हो जाता है. दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम. इसको हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज दोनों एक साथ होती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे आजकल. ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में आपका इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू क्लास.